नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज तोमर। और आज की इस वीडियो में जो 22 मार्च से संबंधित प्रश्न है, 22 मार्च की जो करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। और इस वीडियो के जो PDF है, PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता दूंगा, बाकी आप PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको डेली की जो करंट अफेयर्स है वो टाइम पर मिलती रहे। तो पर डे आपको सुबह 6 बजे से पहले यहाँ पर करंट अफेयर्स मिल जाती है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल को दबा देंगे तो 6 बजे से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि GST परिषद की जो 34वीं बैठक है हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई है। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप सभी जानते होंगे इसकी फुल फॉर्म GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 1 जुलाई, इसके डेट भी ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में पूछ ले जाता है, कभी भी पूछ सकता है कि GST कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 में GST लागू हुआ था। और GST की दरें क्या हैं, इसकी 5 दरें हैं, 0%, 5%, तीसरी इसकी 12%, फिर 18% और 28%। ये 5 दरें हैं GST की जो भारत में लागू हुई हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और यदि हम बात करते हैं कि GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो सबसे पहले जो GST लागू किया था पूरी दुनिया में, वो फ्रांस ने GST लागू की थी 1954 में। तो ये सभी बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और GST की जो 34वीं बैठक हुई है हाल ही में वो नई दिल्ली में हुई है, ठीक है, ऑप्शन बी नई दिल्ली। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस अमीर व्यक्ति की नेट वर्थ 20 साल बाद फिर से 100 अरब डॉलर हो गई है। मतलब उसकी एक तरीके से जो उसकी संपत्ति थी वो 100 बिलियन डॉलर हो चुकी है, 100 बिलियन डॉलर। तो वो किसकी हुई है, तो वो हुई है बिल गेट्स की। ये अब से कुछ समय पहले नंबर वन मतलब बिलियनर्स थे विश्व के, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर कौन है, जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन कंपनी के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, तो ये नंबर वन पे हैं। इनकी कुल संपत्ति है 131 अरब डॉलर, 131 अरब डॉलर जेफ बेजोस की है। और बिल गेट्स की अब 100 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी है, इससे पहले इनकी जो संपत्ति थी वो 96 अरब डॉलर थी, 96.5 अरब डॉलर। लेकिन अब ये फिर से 20 साल बाद इनकी जो संपत्ति है वो 100 अरब डॉलर हो चुकी है। विश्व के नंबर वन है जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर, और दूसरे नंबर बिल गेट्स। ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट की इन्होंने स्थापना की थी, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कहा जाता है बिल गेट्स को। और यदि ये पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे, तो फिर है पॉल एलन। यदि प्रश्न ये आता है परीक्षा में कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे, तो वो बिल गेट्स थे। यदि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे, तो फिर वो पॉल एलन, ठीक है, क्योंकि बिल गेट्स और पॉल एलन इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस सिख नेता का नाम है जगमीत सिंह हाल ही में कनाडा के जो हाउस ऑफ कॉमन होता है उसमें हिस्सा लेने वाले पहले अश्वेत नेता बन गए हैं। अब देखिए, हाउस ऑफ कॉमन क्या होता है, जो हमारी देखिए संसद जो है भारतीय संसद, वो दो भागों में है, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन, ठीक है। जिस तरीके से हमारी संसद में दो पार्ट होते हैं, एक होता उच्च सदन, एक होता निम्न सदन। तो निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। तो उसी तरीके से इसमें कनाडा का जो पार्लियामेंट है उसमें भी दो भागों में बैठे होता है, तो एक होता है उसमें से हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन का मतलब होता है लोकसभा, मतलब निचला सदन। तो जो मतलब सीधी सी बात यह है कि कनाडा के लोकसभा के सदस्य बनने वाले भारत के पहले अश्वेत, जिनका नाम है जगमीत सिंह, तो वो मतलब कौन से नेता बने हैं, तो वो पहले हैं, पहले भारतीय अश्वेत हैं जगमीत सिंह, जो कनाडा के लोकसभा में हिस्सा लिया है, लोकसभा का सदस्य बने हैं। और हमारा चौथा प्रश्न है कि सशस्त्र बलों को जाबाजी और उनके कर्तव्य के पालन में अपना परम योगदान देने वाले सैनिकों को किसने वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया है। अब देखिए, जो अधिकतर जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, और भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। तो जो सशस्त्र सीमा बलों के जाबाज हैं, सैनिक हैं, उनको वीरता पुरस्कार जो कि अभी वितरित किए गए थे, वो रामनाथ कोविंद के द्वारा किए गए थे। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री निर्माता फैक्ट्री कौन सी है। सबसे बड़ी जो रेल कोच फैक्ट्री है दुनिया की वो कौन सी है, तो वो है ICF चेन्नई। ICF का मतलब होता है आई सी
एफ। आई का मतलब होता है इंटीग्रल, सी का मतलब होता है कोच, और एफ का मतलब होता है फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है दुनिया की सबसे बड़ी वो है आई सी एफ चेन्नई, चेन्नई ठीक है। और यदि मैं अब बात करता हूँ इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो पिछले 11 महीने में ही इसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये अभी पिछले साल से लेके इस साल में ही इसमें इतनी वृद्धि हो गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माण फैक्ट्री बन गई है। और इसने अभी हाल ही में मतलब कुछ ही समय में 2019, मतलब एक साल कह सकते हैं कि पिछले अप्रैल से लेके, अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक ही इसने 2919 कोचों का निर्माण किया है, 2919 कोचों का निर्माण किया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माण निर्माता फैक्ट्री कौन सी है, चेन्नई, ICF चेन्नई। और हमारा छठा प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, देखिए जो गौरैया चिड़िया होती है, जो आम चिड़िया घरों में होती है, वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो उसका जो उसके प्रति लोगों में कोई जागरूकता नहीं है, तो उसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, और वो बनाया गया है 20 मार्च को, और 20 मार्च को ही हमेशा मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस के अलावा भी एक दिवस है जो 20 मार्च को मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये भी प्रतिदिन प्रति वर्ष 20 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। और जो 2019 में ये बनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसकी जो थीम थी, इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हैप्पियर टुगेदर। यहाँ लिख देता हूँ, हैप्पियर टुगेदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो 2019 में मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, विश्व हास्य दिवस बोल सकते हैं इसे, तो हैप्पियर टुगेदर इसकी थीम थी। और हमारा सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने स्मार्ट कूड़ेदान लॉन्च किए हैं। तो किस कंपनी के द्वारा किए गए हैं, तो वो किए गए हैं सेल के द्वारा। सेल मतलब क्या होता है, सेल की फुल फॉर्म है एस मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। अब स्मार्ट कूड़ेदान क्या है, ये स्मार्ट कूड़ेदान इस तरीके से, मान लीजिए कि ये कूड़ेदान है और इसमें कचरा डाला जा रहा है, ठीक है, कचरा डाला जा रहा है, और जब ये कचरे से पूरी तरीके से भर जाएगा ना, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली सिग्नल भेज देगा जो कचरा लेने वाली गाड़ी होती है उनको, तो गाड़ी आएंगी इसमें से कचरा उठाएंगे और चले जाएंगे। तो ये है स्मार्ट कूड़ेदान। तो कूड़ादान खुद भरते ही जो गाड़ियां होती हैं उनको सिग्नल भेज देगा, गाड़ी आएंगी और कूड़ा निकाल के ले जाएंगी। तो ये है स्मार्ट कूड़ेदान। तो ये सेल कंपनी के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है। स्टील मतलब लोहा उत्पादन की कंपनी है सेल, सेल भेल गेल जो है, तो वही है। और आठवां प्रश्न हमारा कि 2019 में एबल प्राइज किसे प्रदान किया गया है। अब देखिए एबल प्राइज परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि एबल प्राइज जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो प्राइज है वो एबल प्राइज है। और जो 2019 में ये प्राप्त किया है वो क्या है, करेन उहेन बेक ने, करेन उहेन बेक ये एक अमेरिकी नागरिक हैं, इन्होंने एवल प्राइज जीता है गणित के क्षेत्र में। और साथ में ही एवल प्राइज जीतने वाली ये पहली महिला बनी है, ये महिला हैं करेन उहलेन बेक, ठीक है, एवल प्राइज इन्होंने 2019 में जीता है। और हमारा नौवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का प्रथम ट्रांजिस्टर चुनाव अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखिए ट्रांजिस्टर की यदि हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इनका नाम है गौरी सावंत। और यदि हम बात करते हैं 2004, 2004 और 2009 के जो चुनाव हुए थे उसमें ट्रांजिस्टरों का नाम ही नहीं था। पहली बार जो ट्रांजिस्टरों को सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के अनुसार जो पहली बार मत देने का अधिकार मिला था वो 2014 में मिला था। और यदि हम बात करते हैं कि 2014 में कितने ट्रांजिस्टरों ने मतदान किया था, तो वो कुल मिला के 918 ट्रांजिस्टर थे जिन्होंने मतदान किया था 2014 में, क्योंकि 2014 में पहली बार इनको वोट डालने का अधिकार मिला था सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में इनका जो आंकड़ा है वो बढ़कर लगभग 2086 हो गया है, ठीक है। तो मतलब जो ठीक है, तो ये जो पहले चुनाव अम्बेसडर बनाए गए हैं जो ट्रांजिस्टर हैं, तो इनका नाम है गौरी सावंत। और हमारा 10वां प्रश्न है कि किस राज्य के निर्वाचन विभाग ने आई हेल्प पहल की शुरुआत की है। आई हेल्प मतलब क्या होता है कि एक तरीके से इसका ये उद्देश्य क्या है, ये एक पहल का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो है वो मतदान करे, तो उसी के लिए एक योजना चलाई गई है आई हेल्प, और ये असम राज्य के द्वारा चलाई गई है। असम राज्य का जो निर्वाचन विभाग है उसके द्वारा चलाई गई है आई हेल्प सेवा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय तटरक्षक पोत तो कौन सी बनी? तो इंडोनेशिया के जो एक बंदरगाह है इंडोनेशिया में, बहुत फेमस बंदरगाह जिसका नाम है सबांग, सबांग बंदरगाह, वहां पर पहुंची थी ये, और इसका नाम है INS विजित। INS विजित इंडोनेशिया की यात्रा पर चलने वाली ये पहली तटरक्षक पोत है, INS विजित। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो INS है इसका मतलब क्या होता है। INS आपने सुना होगा, INS विक्रांत, INS कावेरी। तो INS का मतलब होता है, आई मतलब इंडियन, एन मतलब नेवी, और एस मतलब होता है शिप, इंडियन नेवी शिप INS। और हमारा 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के बीच 2 सप्ताह का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 6, ठीक है, ये मतलब मित्र शक्ति 6 आयोजित किया गया है। तो ये जो मित्र शक्ति है, आपको मालूम होना चाहिए कि किन किन देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति, ये 26 मार्च से स्टार्ट होके 8 अप्रैल को खत्म होगा, मित्र शक्ति। बस ये ध्यान रखना है, इसमें सबसे मेन बात भैया भारत और श्रीलंका के बीच होता है। क्लियर? तो बस इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और साथ में ही सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा जरूर, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पे ऐसी वीडियोज प्रोवाइड होती रहेंगी। इस पर डे सुबह को आपको 6 बजे से पहले करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है, और ज़्यादा प्रश्न मैं इसलिए नहीं रहता क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सिर्फ वही मैं इस अपने वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक है, टेलीग्राम जो भी है, वहाँ पर एक बार शेयर जरूर करते रहना, और कमेंट में लिखकर जरूर बताना, कुछ भी लिखना कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद। PDF डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।